तो आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ आज के दिन के लिए। आज वैलेंटाइंस डे है और इस दिन का नाम वैलेंटाइन क्यों रखा गया, इसके बारे में एक कहानी मुझे मेरे एक सर ने सुनाया था। जब मैं स्कूल टाइम पे था तब मेरे एक हिंदी सर ने सुनाया था, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी देखो मैं उठ चुका हूँ, अभी खाना खाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, गेम चल रहा है अभी। तो मेरा तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी देर में बाहर जाएंगे बाइक से घूमने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे तो पूरा धूप उठ चुका है और बाइक में घूमने में मज़ा भी आएगा। गर्म हवा चलेगा अभी तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलो अभी खाना कंप्लीट करते हैं। ये देखो आज का खाना स्पेशल पूड़ी, ये छोले की सब्जी, छोले दाल की सब्जी है। बस चलो खाना कंप्लीट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। सो गाइज, अभी बाहर यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेरे माइक्रोफोन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अभी चलो बाहर, धूप बहुत मस्त है, तो 1-1.5 घंटे यहाँ पे घूमते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। अभी देखो गाइस, आ चुका हूँ दुर्गापुर बैरेज के पास। ये देखो नदी कैसा मस्त है यहाँ पे, तो चलो इस जगह का मज़ा लेते हैं। और धूप तो बहुत बढ़िया है अभी, मतलब जो मज़ा आ रहा है धूप में घूमने में, अभी बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो चलो देखो आसपास का नज़ारा, देखो और वो दूर उधर दिख रहा है, देखो दुर्गापुर बैरेज का जो ब्रिज है वो, चलो सामने चल के दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये है दुर्गापुर बैरेज के ऊपर ब्रिज, जो दुर्गापुर बैरेज एक डैम है तो उसके ऊपर ये ब्रिज है जो पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा को कनेक्ट करता है, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। सो गाइज, अभी आ चुके हैं पुरुलिया में। ये देखो रेड मिट्टी वाला इलाका, जस्ट किडिंग गाइज। तो हमारे जहाँ पे घर है आड़ामूर के पास ही में एक जगह है, ये यहाँ पे रेड मिट्टी है पूरा, और सामने देखो भैंस आ गए हैं, तो जगह कैसे मिलेगा। चलो फिर तो मिल तो गया जगह, कोई बात नहीं है। और ये देखो ये दोनों आगे ऐसे खड़े हुए हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे, हॉर्न मारने पे भी हट नहीं रहे हैं ये। तो ये देखो चलो अभी हट गए, अभी ठीक है। गाइस अभी फाइनली घर पे आ चुका हूँ। ये लॉन्ग सुबह से मुंह में है अभी मेरा, फिर भी खांसी थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा है अभी। तो बाहर बहुत ज़्यादा घूमा और बाद इतना ज़्यादा नॉइज़ था, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा कर ही नहीं पाया, ब्लॉग ज़्यादा बना ही नहीं पाया। तो थोड़े बहुत मैंने शॉर्ट्स लिए थे जिसका आप लोग वॉइस ओवर में देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉइज़ था माइक से कुछ रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। तो अभी चलो नहा लेते हैं, उसके बाद पैदल घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि बाहर धूप है तो धूप में घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। और आज है वैलेंटाइंस डे, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए ब्लैक डे है। लेकिन वैलेंटाइंस डे का असली कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। चलो अभी नहा लेते हैं। तो गाइस अभी नहा के निकल चुका हूँ, अभी यहाँ पे मस्त धूप सेक रहा हूँ। ऐसा मत समझना आप लोगों ने कि मैं नहाया नहीं हूँ, क्योंकि ये पहला वाला ही टी शर्ट मैंने डाल रखा है, क्योंकि अभी सामने टी शर्ट कुछ मिला नहीं तो यही पहन लिया मैंने। चलो अभी बाहर से थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो गाइस बहुत दिनों बाद घूमते घूमते इस जगह पर आया हूँ। यहाँ पर मेरा पहले मामा जी का घर था, यहाँ पर सब रहते थे जब तब यहाँ पे था, मतलब मेरे दादाजी दादी जब जिंदा थे। तो दिखाता हूँ यहाँ पे एक मंदिर है बढ़िया, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो जब मैं बहुत छोटा था तब मैं आया था यहाँ पे, अभी तो बंद है तो वो लोग आगे निकल गए, चलो मैं भी चलता हूँ। सो गाइस अभी बाहर से घूम के वापस आ चुका हूँ, अभी तो लंच करने में थोड़ा टाइम है। तो आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ आज के दिन के लिए। आज वैलेंटाइंस डे है और इस दिन का नाम वैलेंटाइन क्यों रखा गया, इसके बारे में एक कहानी मुझे मेरे एक सर ने सुनाया था। जब मैं स्कूल टाइम पे था तब मेरे एक इंग्लिश सर ने सुनाया था, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो सारे लोगों से शेयर करना, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं पहचान वाले सबसे शेयर करना, दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड से, सब से। तो एक कंट्री था, फॉरेन कंट्री था, जहाँ पे इंग्लिश मैन रहते थे सारे। तो वो कंट्री रूल्ड बाई वहाँ के जो आर्मी होता था, आर्मी द्वारा रूल किया जाता था। तो उस आर्मी में एक जनरल था जो कि बैचलर था। तो उस जनरल ने लॉ एंड ऑर्डर पास किया था कि जितने भी लोग आर्मी में काम कर रहे हैं वो लोग कभी शादी नहीं कर सकते। तो ऐसा एक लॉ एंड ऑर्डर पास करा था, और
एक और लॉ एंड ऑर्डर पास करा था कि जो भी आर्मी पर्सन शादी करेगा और जो भी उसको शादी करने में हेल्प करेगा तो उन लोगों को डेथ पनिशमेंट मिल सकता है, ऐसा लॉ था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक आर्मी पर्सन जब छुट्टी में अपने घर गया तो उसको कोई लड़की पसंद आ गया, तो वो सोचा कि चुपके वो लोग शादी कर लेते हैं, ऐसा उन लोगों ने सोचा। फिर वहाँ पे एक फादर थे जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया और उन लोगों को कहा ठीक है मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, ऐसा बोला था। तो 14 फरवरी वो डेट था जब उन लोगों का शादी फिक्स हुआ था कि 14 फरवरी में हम लोग शादी करेंगे, और फादर भी मतलब रेडी हो गए थे शादी करवाने के लिए। तो जनरल को पता चल गया, और ये क्या हुआ कि शादी के दिन उन लोगों का शादी तो हो गया था लेकिन शादी के दिन जनरल को पता चल गया था, इसीलिए जनरल आके उन लोगों को तो डेथ पनिशमेंट दिए ही थे। और उस फादर का नेम था वैलेंटाइन, मतलब मिस्टर वैलेंटाइन उस फादर का नेम था, तो इसीलिए उस फादर को भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पनिशमेंट दिया गया था, डेथ पनिशमेंट। तो उस फादर का नाम वैलेंटाइन था और उन्होंने दो प्रेम के बच्चियों को मदद किया था, इसीलिए आज के डेट में वैलेंटाइंस डे बोला जाता है 14 फरवरी को, क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही वो फादर शहीद हुए थे। गाइस अगर आपको इस कहानी के बारे में पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता है या फिर आप लोगों को दूसरे कहानी के बारे में पता है और आप लोगों को लगता है कि ये मैंने जो कहानी बताया वो रॉन्ग है तो भी कमेंट करके बताना। तो चलो अभी खाना खाने चलते हैं, आप लोगों से बाद में मिलते हैं शाम को। सो गाइस ये देखो, ये है वो बजरंगबली जी का मंदिर जहाँ पे दीपू हर मंगल और शनिवार को आता है संध्या आरती के लिए। सो गाइस अभी फाइनली शाम हो चुका है और अंधेरा भी हो चुका है बाहर बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपनी एडिटिंग जो है वो दोपहर को कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि अभी शाम को हम दोनों देखने वाले हैं हॉरर फिल्म। उससे पहले देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो मस्त यहाँ पे सो के पबजी स्ट्रीमिंग देख रहा है, मतलब अभी तो पबजी है नहीं, अभी तो BGMI हो गया, तो गॉबलिन का स्ट्रीमिंग देख रहा है। तो चलो आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।